सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एवरग्रीन बुक है और इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इसकी, बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 कराइए, 8 कराइए और जो हमारा प्रोबेबिलिटी है उसको कराइए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिंपल चैप्टर है। इस पर हम ऑलरेडी जो चैप्टर बना चुके हैं वो सेलिना कौन सा इस पर है, लेकिन आज हम एवरग्रीन बुक करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे 7.2, क्योंकि 7.1 हमारे सिलेबस में नहीं आ रही है इसलिए हम आपको 7.2 ही कराएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर चलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सिंपल। यहाँ पर हम 7.2 देखते हैं और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन करने और कैसे इनको सोल्व करना है उनको बात करते हैं। तो देखो क्या है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन बोलते किसे हैं, जब हमारे टू रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, मीन्स हमारे पास ये रेशियो है ए अपॉन बी और ये सी अपॉन डी, और अगर ये रेशियो आपस में इक्वल है तो इनको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करेगा, जैसे इसने फर्स्ट में कहा है कि वी फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर ये कहे फोर्थ प्रोपोर्शन तो आपको क्या करना है, देखो तीन वैल्यू देगा यहाँ पर, ये जैसे 25, 15 और ये कह रहा है कि 40 हमारे पास। अभी कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो हम लेट कर लेंगे इसी फोर्थ प्रोपोर्शन को एक्स। अगर ये बोलता कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, वो टू वैल्यूज दे देता, वो कहता कि थर्ड प्रोपोर्शन बता दो आप, तो उस थर्ड प्रोपोर्शन को एक्स लेट कर लेते। अगर वो टू वैल्यूज दे देता और बोल देता कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू बीच में आ रही है हमारी एवरेज वैल्यू, तो हम क्या करते हैं बीच में एक्स लेट कर लेते हैं। और अगर थ्री वैल्यूज हैं इनको प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट टू वैल्यूज एंड ये वाली लास्ट टू वैल्यूज, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे इसमें फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। अब इनको डायरेक्ट भी बताया गया है कैसे, कि मीन प्रोपोर्शन के लिए बताया गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि 2/x होगा और यहाँ पर क्या होगा x अपॉन 5 होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 5 आ रहा है। ऐसे सेम हम इसमें भी बता सकते हैं, सभी में कॉन्सेप्ट वही लग रहा है कि भाई आपके पास अगर फोर वैल्यूज है तो इनको प्रोपोर्शन में लिखो, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू का रेशो इक्वल रखो। जैसे अगर हम इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, 25/15 एंड 40/x। तो अगर कभी भी प्रोपोर्शन की बात करेगा तो बस आपको क्या करनी है, टू टू वैल्यूज लेनी है और उनको रेशो में, उनके रेशो को इक्वल रखना है। कि यहाँ पर देखो हमारे पास ये टू वैल्यूज एंड ये लास्ट टू वैल्यूज, इन दोनों का रेशियोज आपको इक्वल रखना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। कैसे, एक्स हमारी वैल्यू देखो अगर डिनोमिनेटर में, अगर ये नीचे है तो इसको लेके आओ ऊपर, तो एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ और ये 15 है इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस 25 को इधर लेके आ सकते हो आप। यहाँ पर ये 40 × 15/25, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको 5 से कर लो, 5 × 3 = 5, 5 × 5 = 8, 8 × 3 = 24, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24। सिंपल ही हो गई हमारी, इसका फर्स्ट आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। ऐसे आप इसका सेकंड कर सकते हो, थर्ड कर सकते हो। तो अगर हम इसकी सेकंड की बात करें, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब इसके ही सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या, 1.5 एंड 4.5 एंड 3.6। अब इसमें भी फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन को एक्स लेट कर लेते हैं। अब ये अगर फोर्थ प्रोपोर्शन है तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, कि भाई ये वाली जो फर्स्ट टू वैल्यूज है इन दोनों का रेशो इसके इक्वल, लास्ट टू वैल्यूज के रेशो इक्वल 3.6 एंड एक्स। हाँ अब हमें इसमें एक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले आप इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। यहाँ पर जो 3.6 है इसको पॉइंट हटा कर नीचे 10 लिख सकते हैं या फिर ऐसे रहने से दे सकते हो, उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इधर लेके आ जाएंगे हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको सोल्व, 3.6 इधर ही जाएगा, ये 4.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लिए, इधर आ जाएगा 45 और ये 15 आ जाएगा डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे तो इक्वल 10 आ जाएगा, 15 × 3 कितने होते हैं 45 होते हैं। एंड अब इसमें हम कैंसिल कर रहे हैं, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो सिंपल क्या करो आप, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 = 18, 1 × 3 = 9 एंड 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.8। सिंपल ही हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट ये हो गया हमारा। ऐसे ही देखते हैं इसमें उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसमें थर्ड है हमारे पास a² - b² a² - ab एंड ये a³ + b³ ये है। ओके ये हमारे पास a² - b² a² - ab a³ + b³, इसको सोल्व करना है, करते हैं चलो इसको सोल्व। अब इसमें भी अगर हमें फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए तो उसको एक्स लेट कर लेंगे। अब इन दोनों का रेशियो एंड फिर इन दोनों का रेशियो इक्वल रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे फिर आंसर हमारा क्या आ रहा है। देखो आंसर आपका मिसमैच हो रहा होगा इसलिए आप इसमें परेशान हो रहे होगे, लेकिन
क्वेश्चन सिंपल ही है, यहाँ पर ये एक्स। अब इसमें क्या करें हम, देखो इसको सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और नीचे देखो ध्यान से कि नीचे क्या आ रहा है, कॉमन ए कॉमन आ रहा है, तो बचेगा नीचे ए माइनस बी, और आप ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई एक्स, हमें चाहिए एक्स, तो एक्स को इधर लेके आओ आप, ये जो ए प्लस बी है इसको डिवाइड में लेके आओ, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, डिवाइड में क्या हो गया ये ए प्लस बी, लेकिन ये जो डिवाइड में ए है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या इसको ऐसे छोड़ दें, हाँ छोड़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको अगर आंसर मैच कराना है इसका आंसर, देखो अगर आंसर इसका मैच कराना है आपको, फर्स्ट का इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ए, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने लगाया यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद करो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्लास नाइन्थ में हमने आपको सभी आइडेंटिटीज बताई हैं, आपको सभी आइडेंटिटीज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे आती हैं, कैसे इनको ड्राइव किया जाता है, कैसे इनको याद रख सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी मेथड हमने बताए हैं एक लेक्चर में, उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने बेसिक कैलकुलेशन बताई, उसी में आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह सभी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, एलसीएम एसीएम, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में डाल देंगे हम, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, और वो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल है आपकी सभी आइडेंटिटी के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यूब। नीचे हमारे पास ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, यही हमारा आंसर आ रहा है ए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपल ये करना था इसमें, सिंपल ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट, ओके ये करना था इसके थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर टू, और इसमें बोल रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन सिंपल अभी बताया था आपको कि थर्ड प्रोपोर्शन अगर बोले तो थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लेंगे x, अब इसको x लेट किया तो प्रोपोर्शन में कैसे रखेंगे, फर्स्ट टू वैल्यूज एंड लास्ट टू वैल्यूज, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड को प्रोपोर्शन में बनाएंगे अब हम, कैसे 16 अपॉन 36 इक्वल्स टू 36 अपॉन में x, ये हो जाएगा इन दोनों का रेशियो और फिर इन दोनों का रेशियो। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई हो रहा है तो, या फिर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इधर लेके आ जाओ, ये 36 इधर आ जाएगा, 36 इंटू 36 और ये 16 आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 4 से 4 9 जा 4 4 से 16 4 9 जा 9 9 जा 81, x की वैल्यू कितनी आ रही है 81, सिंपल है क्वेश्चन, सेम एज इट इज। इसमें भी थर्ड क्वेश्चन अगर हम x लेट कर लेते हैं तो इन दोनों का रेशियो, ए रेशियो ओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है इसका, इक्वल्स टू में ए प्लस बी अपॉन में एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स को ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि जिसकी भी वैल्यू में फाइंड करने होते हैं, जो भी अननोन होता है उसको हमेशा आपको न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए वो, तो इसको ऊपर लेके आए हम, और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लेके आएंगे नीचे, और ए प्लस बी इधर आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी ए प्लस बी, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बोल सकते हो, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या हो गई ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, ये हो गया ओके। नेक्स्ट इसका थर्ड, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, टू टू बाई थ्री एंड फोर, और थर्ड प्रोपोर्शन हम लेट कर लेते हैं एक्स, थर्ड प्रोपोर्शन अगर हमने एक्स लेट किया तो फिर इन दोनों का रेशियो, ये क्या है हमारे पास थ्री टू जा सिक्स, सिक्स और टू एट, एट अपॉन थ्री, इसका रेशियो किसके साथ फोर के साथ, इक्वल्स टू फोर का रेशियो एक्स के साथ, अब ये फोर क्या हो जाएगा थ्री के साथ, फिर एट अपॉन थ्री इंटू में फोर इक्वल्स टू में फोर अपॉन एक्स, फोर टू जा एट, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स इधर मल्टीप्लाई ये फोर इंटू थ्री और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टू, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे और ये कितना हो जाएगा टू टू जो फोर हो गया सिक्स, एक्स की वैल्यू सिक्स, तो ये करना है सिंपल क्वेश्चन नंबर टू में, ये क्वेश्चन नंबर टू हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री और इसमें बोल रहा है आपसे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने बताया था आपको कि भी क्या करना है मीन प्रोपोर्शन में, मीन प्रोपोर्शन में सिंपल आपको क्या करना है बीच में लेट करनी है वैल्यू, ठीक है, इन दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शन लेंगे एक्स, और ये जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या होता है हमेशा उसका स्क्वायर, जो मीन प्रोपोर्शन होता है ये क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, उसका रूट कर दो, क्यों, क्योंकि अगर आप सिक्स अपॉन एक्स इन दोनों का रेशियो को फिर इन दोनों का रेशियो लोगे आप
एक्स अपॉन 54 इनको इक्वल लोगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल आएगा, इनके प्रोडक्ट के, 6 × 54 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्स है जो मीन प्रोपोर्शन होता है हमेशा क्या होता है, ये जो दोनों वैल्यू होती है इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और उसका कर दो रूट, बस सिंपल रूट किया हमने 6 × 54, ये कितना होता है हमारा 6×9 = 54 होते हैं, तो यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा और 9 का क्या होगा 3, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपल 6×3 = 18, ये हो जाएगी इसमें सिंपल एक्स की वैल्यू। सेम एज इट इज आप इनको भी कर सकते हो, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, इन दोनों का कर दो प्रोडक्ट और उसको क्या कर लो रूट में रख लो, यही करना है हमें। ऐसे अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा हमारा। अब इसको करो सोल्व, अगर ये इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू बनती क्या है, देखो 6 को करोगे आप 6×8 कितने होते हैं 48, एंड 6 को 4√3 में करोगे आप माइनस का कितना जाएगा 6×4 = 24 √3, एंड ये 3×8 = 24 √3, एंड ये प्लस माइनस माइनस 3×4 = 12 एंड ये √3 × √3 हो जाएगा 3। ये इस टाइप से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को हमने किस टाइप से मल्टीप्लाई किया 3×4 = 12, जो बाहर वैल्यू है रूट से उनको बाहर से मल्टीप्लाई और रूट वाली वैल्यू को रूट से और उन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, यहाँ पर आ रहा है 48 माइनस 12 3×36, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनको माइनस कर दोगे अगर आप 4×8 = 12, और 12 को क्या लिख सकते हो आप 2√3, बस ये करना है इसमें सिंपल, ये हो गया इसका आंसर। सेम हम थर्ड वाले को भी कर सकते हैं, भी इसमें जो मीन प्रोपोर्शन हम ऐड करेंगे, देखो इसमें पहले से ही एक्स ऐड कर रखा है तो मीन प्रोपोर्शन हम एम ऐड कर लेते हैं, एम क्या होगा इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट कर दो आप एक्स माइनस वाई, एंड ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखो इसको, इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई एम, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर होगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका एक्स बाहर आ जाएगा, और ये जो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बना रहा है ये भी बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ओके तो सिंपल ये हो गया इसमें थर्ड पार्ट इसका। ओके ये करना है इसमें थर्ड पार्ट में, सिंपल सी क्वेश्चन है इसमें। ऐसे हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और ये कह रहा है कि इन नंबर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि भाई इनका जो रेशियो वो क्या हो जाए प्रोपोर्शन में हो जाए, कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बन जाए रिजल्टिंग नंबर। सिंपल है कि हम क्या करेंगे, वो अगर किसी भी सेम वैल्यू के लिए कहेगा कि भाई क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या ऐड करें, तो हम करेंगे एक्स, तो सभी में अगर हम एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, सभी में हम एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो बस ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तो बस आप क्या करोगे 23 माइनस एक्स अपॉन में 30 माइनस एक्स, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 57 माइनस एक्स एंड 78 माइनस एक्स। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि भी कंटिन्यूली अगर हम चलें इसे तो क्या बनाएंगे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अब ये एक्स की वैल्यू को बस आपको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे सिंपल, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको बस मल्टीप्लाई में ही प्रॉब्लम आएगी आपको, बस इसको ध्यान से करना, मल्टीप्लाई वगैरह में मिस्टेक मत कर देना, पेशेंस के साथ इसे सिंपली करना है, आपको ये सिंपल इसका आंसर मिल जाएगा 23×78 कर लेंगे, 23×78 कर रहे हैं तो आ रहा है 1794, 23 को x में करेंगे माइनस 23x, एक्स को करेंगे यहाँ पर 78 से माइनस 78x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में 30 को 57 से कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 35 × 15 एंड 37 × 21 171 हो जाएगा ये, एंड एक जीरो लगा देंगे इसमें माइनस 30x एंड ये माइनस 57x एंड ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और कोई भी सेम वैल्यू अगर तो वो भी कैंसिल हो सकती है, लेकिन नहीं है तो सिंपल अब क्या करेंगे 1794 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कितना आ रहा है 8 × 3 = 11 1 और ये आ गया 10 101, एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 एंड 57 ये 1710
थर्टी एंड 57 को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 87x। नाउ अब हम क्या करेंगे, 87 को इधर लेके आ जाएंगे, 87x माइनस 101x, ये 1710 माइनस 1794 माइनस कर लो आप इसको, कितना बचेगा हमारा 3, इसमें हो गया 3 एंड ये 14 हो रहा है माइनस का वो भी, एंड इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस का 84। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6। सिंपल ये करना है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, ये भी वही हमारा व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अभी इस बार हमें 3 वैल्यूज गिवन किया, तो हम इसे 31 माइनस एक्स, 26 माइनस एक्स एंड यहाँ पर क्या लेंगे 22 माइनस एक्स। लेकिन अगर ये तीनों वैल्यू हमारी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो बस आप इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल रखोगे आप, सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको सोल्व कर लेना है बस, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, आंसर मिल जाएगा। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिक्स्थ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दैम, टू नंबर्स जिनका मीन प्रोपोर्शन 14 हो, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं टू नंबर एक्स एंड वाई, लेकिन इनका मीन प्रोपोर्शन कितना है 14, ये बोल रहा है इसमें, मीन प्रोपोर्शन 14 एंड ये क्या कह रहा है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन टू देम, और इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा 112, मींस कि अगर एक्स वाई एंड ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या ले 112, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शन 112 होगा। तो ये एक्स और वाई फाइंड करना है। अब देखो इसमें टू अननोन्स हैं, एक्स एंड वाई होगा, तो हमारे पास टू ही रिलेशन या फिर कह सकते हैं टू इक्वेशंस फॉर्म होंगी, जैसे कि अगर हम इसको प्रोपोर्शन में रखें तो यहाँ पे क्या होगा x अपॉन 14 इक्वल्स टू होगा 14 अपॉन में x y। ओके अब यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर आ जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल्स टू जाएगा 196, ये फर्स्ट इक्वेशन हम ऐड कर लेते हैं। एंड इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो x अपॉन y, y अपॉन 112 इक्वल होगा, तो आप यहाँ पर 112 एक्स इजिकल्स टू वाई स्क्वायर बोल सकते हो। अब क्या किया जाए भाई इसको सोल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आ रही है, पावर टू है, ये कह सकते हो आप। कैसे सिंप्लीफाई करें, या तो आप एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू यहाँ से आप निकालें इसमें पुट कर दें, या फिर यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दें, बताओ कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो अगर हम ये वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं 196 अपॉन में एक्स, और इस वाई की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो फिर काफ़ी बड़ा हो रहा है क्वेश्चन ये। इससे बेस्ट तो ये होता कि आप x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या फिर x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ y। कैसे भाई, x को अगर हम इधर छोड़ेंगे इधर y आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, x के प्लेस में 196 अपॉन y रख सकते हो, y इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। बस अब आप इसका क्या कर लो, क्यूबिक क्यूब रूट हो जाएगा ये, तो भी 3-3 के कॉम्बिनेशन मतलब आप पेयर्स बना सकते हैं यहाँ पर। 112 के टोटल अगर हम फैक्टर करेंगे, देखो प्राइम फैक्टर करेंगे 112 के, तो कितना मिलेगा 2 5 2 6 2 2 4 2 8 2 से करेंगे 14 एंड 2 से करेंगे 7 7 1 7 ये हो जाएगा 196। अगर हम 196 ले रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा 2 2 8 16 एंड 2 8 16, 2 से करेंगे 2 4 8 2 4 8, 2 से करेंगे 2 2 4 2 2 4 2 से करेंगे 2 1 2 2 1 2 11 से करेंगे 11 1 11। अब आप इसको देखो, अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 2 2 2 4 टाइम्स है इनटू 7। ओके यहाँ पर 2 2 2 4 टाइम्स इनटू में 11 प्लस टू में वाई ये आ रहा है। अब देखो 3-3 का पेयर्स बना हुआ इसमें, इसमें सिर्फ ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ रहा है और कुछ बाहर आ ही नहीं रहा, तो 2 और 2 4 बाहर आ रहा है, और ये कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 2 7 जब 14 और ये 22, या फिर 2 7 जब 14 14 2 जब कितने होते हैं हमारे 28 इंटू 11 करेंगे हम, 28 इंटू 11 हमारे पास कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा इक्वल्स टू में वाई। तो क्या ये वाई की वैल्यू होगी, हो सकती है ये वाई की वैल्यू,
चेक कर लेते हैं इसमें आंसर कितना आ रहा है। देखो आंसर मिसमैच हो रहा है क्योंकि हमने फैक्टर यहाँ पर गलत किया है। देखो यहाँ पर हमने फैक्टर क्या किया है, मिस्टेक हुई है यहाँ पर। कैसे 2 8 16 होंगे लेकिन यहाँ पर 18 बन रहा है ना मैक्सिमम, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके देख लो ये आ नहीं रहा 196। यहाँ पर फैक्टर में हमारी मिस्टेक है क्योंकि इसमें 7 आना चाहिए कि 196 किसका, 14 से तो बना है हमारा, तो इसमें आना चाहिए था हमारे पास 2 × 7 14 होता हमारे पास 2 × 7 मीन्स 2 2 एंड 7 7 आते हैं इसके फैक्टर्स में 196 के फैक्टर में। 2 से कर रहे हो आप 2 9 18 होता एंड यहाँ पर 2 8 16, फिर 2 से करते 2 4 8 होता एंड 2 9 18 होता, फिर 7 7 होता, यही तो होते इसके फैक्टर। देखो कितनी मिस्टेक की हमने इसमें। ऐसी मिस्टेक से बचने के लिए इसको ध्यान से करें क्योंकि ऐसी मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं। ये कैंसिल हो गया। अब देखो पेयरिंग, ये 3 का कॉम्बिनेशन बन गया, यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो मीन्स एक ये 2 बाहर ये आ गया, एक ये वाला 2 बाहर आ गया और एक 7 भी बाहर आएगा क्योंकि 7 भी 3 times है यहाँ पर। इसका मीन्स वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारी, ये हो गया हमारी 28। तो ये है वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू होगी 28। अब हम अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वाई की जगह पर आप क्या कर लो, यहाँ पर 28 पुट कर लो या 28 इसको कैंसिल करेगा, हाँ करेगा क्योंकि 14 से तो कैंसिल हो ही रहा है, 14 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है, 14 2 से कैंसिल करेंगे 7, एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी। यही इसकी वैल्यूज आ रही है, x = 7 एंड y = 28। आप इनका मीन प्रोपोर्शन देखोगे क्या मिलेगा आपको 14 एंड इनका थर्ड प्रोपोर्शन देखोगे तो 12। ये हो गया इसका सिंपल क्वेश्चन नंबर 6।